इनके होने वाले बच्चे के अब्बू मेरी मेरी बहन के शौहर इमरान। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ सच बताने आया, और यहाँ ऐसे आकर आपको इस तरह सच बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि इस औरत की सच्चाई सबके सामने आए। इस औरत ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, मेरी अम्मी की मोहब्बत उनका यकीन तोड़ा, और हमारी शराफत और मोहब्बत के बदले मैंने इनसे मिली तो सिर्फ साजिश है। यहां तक कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को भी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। हमने इसे हर बार माफ किया क्योंकि ये मां बनने वाली, और क्योंकि एक वक्त पर ये मेरी दोस्त थी, लेकिन आज इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं इनसे निकाह नहीं करूंगा तो ये राज सबके सामने आकर कह देंगी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दें। इसलिए मैं खामोश नहीं रह सका। नजमा, मैं जानता हूं यह हकीकत जानकर तुम पर क्या बीतरी होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इसमें इमरान की कोई गलती नहीं। हाँ, तुमसे दोबारा मिलने से पहले इमरान से एक भूल जरूर हुई, लेकिन वो उस भूल उस गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। इनफैक्ट इनके सारे बिल्स, सारे हॉस्पिटल बिल्स इमरान पे करा था, लेकिन तनवीर का इरादा कुछ और था। वो मुझसे निकाह करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे निकाह नहीं करूंगा तो वो यहां आकर सबको इसके बारे में बता देगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। I'm sorry. ये सच है, ये बच्चा मेरा है। ये सच है कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन एक सच और है, और वो सच ये है कि मैं इस औरत से निकाह करने को तैयार था। लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि ये किसी रईस से निकाह करना चाहती थी। वक्त बेवक्त ये मुझे ब्लैकमेल करती रही। 2 करोड़ रुपए लिए इसने मुझसे। और ना जाने ये सब कुछ कब तक चलता रहता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं असद भाईजान का, जिन्होंने आज आप सब लोगों के सामने इस औरत को बेनकाब कर दिया है। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया, खासकर उनकी जो मां बनने वाली। लेकिन अब आप लोग ही बताइए, अगर एक औरत इस कदर गिर जाए तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? शराफत, इंसानियत, तहजीब, हया, ये सब इनके लिए सिर्फ लफ्ज है, कोई मायने नहीं रखते। मैंने इन्हें हजारों मौके दिए, लेकिन इन्होंने अपनी फितरत नहीं बदली। बहुत नाज है इन्हें अपनी साजिशों पर। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तनवीर, ओके हूं मेरा, अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है,
अगर हो सके तो मुझे उन सबके लिए माफ कर देना। जोया, तुम्हारा सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया, चले। अपना ख्याल रखना। आयान, मेरा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज आपने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि मुझे भी कितना शर्मिंदा किया, आप जानती हैं? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी उमेरा। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आज आपने ये सब करके साबित कर दिया है कि आप मुमानी की बेटी हैं, सच। जी आप लोग अभी कैसे आ गए? आप लोग तो शाम को आने वाले थे ना? मैं बल्कि आप लोगों को फोन करने ही वाला था। सॉरी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। वो दरअसल हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जिंदगी के कुछ पल हम दिन में अपने कैमरा में कैद कर लें। भाई लोगों को ये तो पता चले कि आपकी जिंदगी का एक आम दिन भी कैसा होता है। उससे पहले हम आपका एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लेंगे। जी, इनफैक्ट हमने यहाँ कुछ और लोगों को भी बुलाया है, कुछ नौजवान कपल्स को, जो आप दोनों से आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहू जोया अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएगी। लीजिए, सिद्दीक साहब भी आ गए। भाईजान, राशिद मियां, आप यहाँ कैसे? दरअसल इन बच्चियों को आपके भांजे और बहू का इंटरव्यू करना था, आज की नौजवान पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश करने के मकसद से। आखिर आपके भांजे ने इस तरह सादगी से निकाह करके इतनी बड़ी मिसाल जो कायम की है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मौलवी साहब? जी, मैं भी इनसे यही कह रही थी, यूं घर का तमाशा बनाना अच्छा नहीं है। अरे सिद्दीकी साहब, हमें तो लगा था कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद आपके खानदान का नाम पूरे मुआशरे में और भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर सिद्दीकी साहब, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि मुआशरे की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे ख्यालात को हवा दें और उन लोगों के हौसला अफजाई करें जो ऐसी नेक सोच रखते हैं। क्यों नहीं जी, आइए आप लोग आके देख लीजिए कि घर में कहां पे आप लोग को इंटरव्यू लेना है। असद साहब, आप इन पे नहायत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास इन इल्जाम को साबित करने के लिए कोई सबूत है? जी, सबूत है। कुछ देर पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। थैंकफुली मैंने वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली। सुनिए, हम यहाँ से सीधा शहर की बड़ी मस्जिद की कमेटी हॉल में जाएंगे और
और वहां प्रेस वालों को बुलाएंगे और सबके सामने ऐलान कर देंगे कि हमारी कोख पे जो बच्चा पल रहा है ना, वो इमरान मियां का है। जानू, आप अभी तक नहीं समझे कि अब आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय हमें जवाब देने के। आधे घंटे में हमें कमेटी हॉल में आकर मिलिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पूरी औरत जात का सर शर्म से झुक गया है। सॉरी, मैं जानता हूं सच बोलने के लिए भी सही जगह होनी चाहिए और सही वक्त होना चाहिए, और ना तो ये सही जगह थी और ना ही सही वक्त, लेकिन मैं बहुत मजबूर था, मुझे ये सब इनके सामने बोलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। भाईजान, आपने जो किया वो सही किया, और आप ही कहते थे ना सही काम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। अगर कोई भी काम करने से मेरी बहन की आंखों में आंसू आते हैं तो वो सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ये सच जानने के बाद तुम पर क्या बीतरी होगी, लेकिन नजमा, मेरा दिल कहता है कि इमरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलती थी, और तनवीर की साजिशों से तो हम सब वाकिफ हैं। I'm sure उसने इनका भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे जानने का सबसे पहला हक तुम्हारा था। I'm really sorry। भाईजान, मुझे ये बात पता थी। क्या हुआ इमरान, आप ठीक तो है ना? नजमा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। नजमा, मैं जब भी ये महसूस करता हूं कि तुम मुझ पे इतना यकीन करते हो, तुमसे बात छुपाकर मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं इमरान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तनवीर के बारे में। तुम जानती थी इसके बारे में? जी, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। आज सुबह ही, और इनकी कोई मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये बात न जाने मुझे कब से खाई जा रही थी। जोया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे। उसने मुझसे कहा था इमरान कि इससे पहले दुनिया नजमा को कुछ बताए, तुम खुद जाके उसे सब सच बता दो। बस भाईजान, आज सब सच बता दिया। तुमने जो किया सही किया इमरान, लेकिन मिस फारूकी को भी ये बात पता थी। भाईजान, वो नहीं चाहती थी कि नजमा को कोई चोट पहुंचे, इसीलिए उन्होंने सबसे ये बात छुपा के रखी। लेकिन भाईजान, एक बात वो हमेशा कहा करती थी कि किसी भी रिश्ते में
किसी भी राज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया भाईजान। ख्याल रखना अपना। जी जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान, आप सोया को बहुत मिस कर रहे हैं ना? हाँ, शायद वो मुझे मिस नहीं करती। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वापस आना ही नहीं चाहती। हमेशा कोई ना कोई बहाना। कभी आयान की तबीयत खराब हो जाती, कभी कभी रसोई की रस्म या अब यह इंटरव्यू। भाईजान, आप उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं? आप ही उन्हें वहां लेकर गए थे ना? मैं मानता हूं मैं उन्हें वहां लेकर गया था, लेकिन वैसे तो उनकी जुबान चलती रहती केजी की तरह। इस वक्त तो खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? आती क्यों नहीं वापस? कौन रोक रहा है उन्हें? क्योंकि जोया दिल की बहुत अच्छी है, वो आपके पास वापस आना चाहती है, लेकिन उस घर के लोगों का दिल तोड़कर नहीं। उस घर के लोगों का दिल होगा तो टूटेगा ना। भाईजान प्लीज काम डाउन। जोया 2 दिन में आ रही है ना लौटकर, आप 2 दिन तो इंतजार कर सकते हैं ना? टमाटर 2 दिन तो क्या मैं उनके लिए 2 जिंदगियां में इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं उनके लिए 2 पल भी इंतजार नहीं कर सकता। आप दोनों प्लीज यहाँ बैठिए, प्लीज हैव अ सीट, और आप इनको फोकस करो। हाँ, और ये पीछे बैकग्राउंड ये भी ले लेना। मुना, ये क्या कर रही हो? तो मुझे मना करने दो। खामोशी से बैठे रहो तुम। वैसे भी मैं 2 दिन बाद ही जाने वाली थी ना, तो कोई बात नहीं। मिस्टर खान को भी यही पता ना कि मैं बाद में आऊंगी। कुछ कहेंगे तो मैं अपने आप मना लूंगी। आज मैं हुमेरा की वजह से जा रही थी, लेकिन अब मुझे घर वालों की वजह से रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आज ये सब कुछ छोड़ के चली गई ना, तो ये लोग बाहर जाके ना जाने क्या क्या बातें करेंगे, 100 तरह के ताने देंगे, फिक्रे कसेंगे, और मैं इस तरह इस घर की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। चुपचाप बैठे रहो। ये सब रोकने का एक तरीका है, मैं मना कर देता हूँ उन्हें, कह दूंगा मेरी तबीयत खराब है। उससे क्या होगा, ये लोग बाद में आ जाएंगे। सबको खत्म करने का एक ही तरीका है कि ये सब एक बार हो जाने दो। कम से कम मैं ऐसे घर की इज्जत का और घर वालों का तमाशा नहीं बना सकती दुनिया के सामने, समझे? We'll be right back.
ले जाने आए हो? क्या मतलब? आयान की बीवी है वो। जोया सिर्फ मेरी है। चलिए मैं शुरू करूं।